नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और ये तस्वीरें जो हैं आज रावण का जो दहन है वो 5:08 पर जो है होने वाला है, लेकिन उससे पहले आज किसानों ने यहाँ पर एक पुतला फूका है दहन रूपी, जिसमें जो गए थे वो मनोहर लाल खट्टर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो क्या कुछ पूरा मामला है, तमाम किसानों से जानेंगे कि आज इस राणा के अंदर और जगह जगह, जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कहा गया है कि जगह जगह इस तरह के पुतले जो है फूके जा रहे हैं, तो तमाम जो है किसान यहां पर हैं उनसे जानेंगे क्या है। ये कहते हैं MSP था, है और रहेगा। अरे था तो इसको लीगलाइज कर दो भाई, इसको कानून बना दो, आपको दिक्कत क्या है। आज तक हमें यही समझ में नहीं आई सरकार की मनसा क्या है और ये क्या करना चाहती है। ये 2-3 आदमियों के हाथ में सारा व्यवस्था को सौंप कर इन्होंने रेलवे रोप दिए, एयरपोर्ट बेच दिया और ये सब कुछ बेचने की तैयारी है। आज किसानी को जो रोटी, आज अर्थव्यवस्था जो बची हुई है वो ड्यू टू केवल और केवल किसान की वजह से बची हुई है, नहीं तो आज चारों तरफ तरह तरह मच जाती है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान था कि तमाम जगह जो है आज दशहरे के रूप में जो है मोदी और खट्टर का जो है पुतला फूकना। हाँ, ये हाँ। ये हर जगह आज जो ना अनाउंस था ये, और हर जगह वो तैयारियां चल रही हैं और फूकने लग रहे हैं। आपने इस राणे में देख ही लिया, रूबरू हो गए, आपने इसको देख लिया। राणा जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में, जिस तरह से सरकार 10 महीने से किसान लगातार बैठे हुए हैं और सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐसा रवैया देखने को नहीं मिल रहा, और आज का क्या कार्यक्रम था? आज का कार्यक्रम ये था, संयुक्त मोर्चा का आह्वान था कि भाई दशहरे के दिन इन रावण रूपी जो राजा बैठे हैं आज, नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ चौकीदार और अमित शाह उर्फ तड़ीपार और यहाँ मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री मुखिया है इस प्रदेश का हरियाणा का, इन तीनों के बजाय रावण के हमने इन तीनों के पुतले फूके हैं। और एक रोष जो किसानों के अंदर है या आम किसानों के नहीं आम जन के अंदर इनके प्रति रोष है, उस रोष का हमने अपना वो पेश किया है, दिखाया है। दिक्कत कड़ा रही है यार, सारे मामले में के रोड़ा छिड़ रहे हो, 10 महीने हो लिए ना, ये मैन रहे ना आप मैन रहे। देखो, मानने की बात यह है, ये तो यूं नहीं मान रहे कि इनके दो बेटे हैं अम्बानी और डरिया भाई हैं, इनके जो भी हैं, ये तो हमारे को सौंपना चाहते हैं किसानी को उनके हाथ में, और किसान उनके हाथ में किसी रूप में जाना नहीं चाहते, और हम अपनी जगह खड़े हैं, और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, ये किसान और ये मजदूर, मतलब ये तीनों जो बॉर्डर हैं, यासिंग बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, हम उन बॉर्डर को छोड़ने वाले नहीं हैं। और हर जगह जहाँ भी जाएंगे, और आपने एक उदाहरण देखा होगा, मैंने इतना अपने वीडियो जारी करी थी कि इनके पास जब भी चुनाव आएगा टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा, और वो साबित होगी इलाहाबाद चुनाव के अंदर कि इनके पास कोई उम्मीदवार JJP का या BJP का टिकट लेने को तैयार नहीं था। इन्होंने को लोपा का जो गोपाल कंडा का भाई है, जो गीतिका शर्मा के बलात्कार के आरोपी है, उनको इन्होंने टिकट दिया है, और ये एक तमाचा है समाज के ऊपर जो इन्होंने मार्ग दिखाया है, और समाज के ऊपर तमाचा मारेगा, वोटर तमाचा मारेगा 30 अक्टूबर को जब इनकी जमानत जब्त होगी, पता चलेगा भाई किसान मित्र रोष से। और एक और बात बताना चाहूँगे, 18 तारीख को रेल रोको अभियान है, पूरे भारत में रेल रोकी जाएंगी, और हरियाणा सारा दिन चलेगा या कुछ संकेत ही करेगा? नहीं, वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको अभियान है। दूसरा, उसके बाद 16 तारीख को मगरोल टोल के ऊपर एक मजदूर किसान की बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है, उसमें मेरी गुजारिश की ज्यादा संख्या में पहुंचो और अपनी ताकत मगरोल टोल के ऊपर दिखाओ, उसमें संयुक्त मोर्चे के बड़े बड़े नेता आएंगे, तो उनकी बात सुने, और 16 तारीख को सुबह 11 बजे मगरोल टोल के ऊपर पहुंचारे भाई। प्रदीप जी, आप कुछ कहेंगे कि आज सरकार के लगा करके जिस तरह से मुख्यमंत्री और जो देश के प्रधानमंत्री का आज पुतला फूका अमित शाह का, वैसे ही आज जो है मेघनाथ कुंकण रावण का जो है पुतला फूकने जा रहे हैं, ये क्या संकेत दिया जा रहा है किसानों की तरफ से? ये जो सत्य की एक जीत होती है, हाँ। उसकी प्रेरणा जो युवा शक्ति है, बुराई पे अच्छाई, बुराई की अच्छाई पे जिस सरूस की जो प्रेरणा दी है, उससे आगे ही जो रणनीति है, आगे दिवाली आने वाली है, दिवाली पे मैं पूरे किसानों को कहना चाहता हूँ, हम अपने औजारों की पूजा करते थे, हल की पूजा करते थे, ट्रैक्टर की पूजा करते थे, अब की बार सभी किसान भाइयों ने अपनी जेड़ी और गंडास की सबसे ज्यादा अच्छी तरह से पूजा करनी है, बहुत अच्छी तरह से जेड़ी और गंडास की पूजा करनी है। और दिवाली के दिन जो ये लोग BJP के JJP के जो लोग हैं,
ये किसान की मौत के मातम पर जो नाच रहे हैं, सिर्फ इनकी वीडियो बनानी है। वीडियो बना करके जब ये हमारी गली में आए, हमारे घर पर आए, जब इनको ये दिखाना है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों की मौत हुई थी, करनाल में जो किसान मारे गए थे, लाठी डंडों से पीटा गया था, उस दिवाली के उपलक्ष्य में आप किसान की मौत के मातम पर नाच रहे थे, इसीलिए आपने जेड़ी और गंडास की अब की बार बहुत अच्छी तरह से पूजा करनी है। इनको सिर्फ वो वीडियो दिखानी है कि आप आज कैसे आगे, हर किसान की जेब में वो वीडियो जरूर होनी चाहिए। बीजेपी के पर देखिए हरा हरियाली का प्रतीक है सर, हरा किसान यूनियन का है जी ये, और कलर से नहीं अंदर से देखो, कंधा तो सीना फाड़ के दिखा दूं। जय जवान जय किसान। किसान जो इसाना ब्लॉक के किसान थे और उन्होंने यहाँ पर पुतला फूका, पुतला दहन किया, और उनका कहना है कि जिस तरह से आंदोलन लगातार 10 महीने से चल रहा है और उसको लेकर के सरकार का जहाँ हट रवैया है, तो उसी चीज को लेकर आज जो है इस तरह का सशक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और आगे भी जो है जिस तरह की कोल सिर्फ किसान मोर्चा की रहेगी उसको लेकर के किसान लगातार जो है तत्पर रहेंगे और उसका आदेश